लिए जो मुद्दा आरक्षण का बहुत ही चर्चित है, इसके लिए बहुत ही हेजिटेशन हो रहे हैं और महाराष्ट्र की परिस्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है, ऐसे भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। और जो ओबीसी समाज है इनका आरक्षण और मराठा समाज का आरक्षण, ये दोनों आपस में एक में को टकरा रहे हैं। हमारी मांग है कि जब आप मराठा समाज को अगर कोई आरक्षण देना चाहते हो तो ओबीसी समाज के आरक्षण के का छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब भी दोगे तो आपके पास इसकी संख्या क्या है, सेंसस होना चाहिए। अगर सेंसस नहीं हुआ तो ये गलत साबित होगा और ये कोर्ट में इसको न्याय नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी करके अगर दे दोगे तो मराठा समाज के आरक्षण को फिर से स्टे आ जाएगा और मैं समझता हूँ कि मराठा समाज के ऊपर अन्याय करना ठीक नहीं है। इसलिए जब तक आप सेंसस नहीं करवाते हो ओबीसी समाज का, या जो सेंसस पहले 2011 में हुआ है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास में है, वो लेकर भी हमारे देवेंद्र भाई अगर करते हैं तो कोई हमें कोई इतराज़ नहीं है। और जो मेगा रिक्रूटमेंट अभी होने वाला था, मास रिक्रूटमेंट होने वाला था, उसको भी स्टे दे दिया है। मैं समझता हूँ कि ये स्टे देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे लोग हैं, पिछड़े भी हैं, ओपन वाले भी हैं, जिनके जो उम्र निकलते जा रही है, एज लिमिट होता है सर्विस में जाने के लिए, वो अगर एज लिमिट अगर वो पार कर देते हैं तो उनका जो क्लेम है वो फॉर एवर निकल जाएगा। एक तो ओबीसी को आरक्षण देना है तो ओबीसी के आरक्षण, मराठा को आरक्षण देना है तो ओबीसी के आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब तक आप सेंसस नहीं करवाते हो पूरे महाराष्ट्र के ओबीसी और मराठा समाज कुणबी समाज की, तब तक आप ये आरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि ये बाद में कोर्ट में हम प्रूव नहीं हो सकेगा रिजर्वेशन पॉलिसी। और तीसरा है मेगा भर्ती, जो मेगा रिक्रूटमेंट, मास रिक्रूटमेंट, वो जो माननीय मुख्यमंत्री ने रोक दिया है तो ये चालू करना चाहिए। तीन मांगे हमारी।